नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां अभय सिंह चौटाला ने किया बड़ा खुलासा, राज्यसभा चुनाव में वोट बिकने का लगाया आरोप। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने हाल ही में हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में वोट खरीदने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कुछ विधायकों ने पैसे लेकर वोट दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने इस बात का सबूत होने की भी बात कही है। अभय चौटाला ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ईडी को पत्र लिखकर कार्रवाई की अपील करेंगे। चौटाला ने कहा कि मेरे पास सबूत आ गए हैं, कुछ विधायकों ने पैसे लेकर राज्यसभा चुनाव में वोट दिया था। उन्होंने कहा कि वे ईडी से भी मांग करेंगे कि उन विधायकों पर कार्रवाई हो जिन्होंने पैसे लेकर वोट दिए थे। हालांकि अभी अभय चौटाला ने उन विधायकों का नाम नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही विधायकों के नाम भी बताएंगे। चौटाला ने कहा कि जब मैं इस मामले में शिकायत दूंगा तब सबके सामने आ जाएगा कि किस विधायक ने कितने पैसे लिए हैं। अभय ने कहा कि कुछ विधायकों ने पैसे लेने से मना कर दिया था। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा भी भाजपा के हाथों की कठपुतली है, मगर निकाय चुनाव में हुड्डा ने भाजपा की मदद की थी, इसलिए कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी। अभय ने कहा कि अब जिला परिषद के चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि कल प्रदेश में कई जिलों में हुई बारिश के बाद जल भराव ने सरकार की पोल खोलकर रख दी। सरकार के बड़े बड़े दावे जो करती है उनकी तस्वीर सबके सामने आ गई। रोहतक में जल भराव से जो हाल हुआ है उसका जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद है। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।